सो हेलो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एग्जांपल के बाद ये सेकेंड एग्जांपल वीडियो लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि हमने एक सिंपल एक बिल्डिंग सब्जेक्टेड टू विंड के लिए गवर्निंग इक्वेशन डिराइव किया था, जो कि बहुत एक सिंपल केस है जिसमें कि आपका जो स्टैटिक फोर्स है वो इजिली कंप्यूट हो सकता है। बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा केस एज्यूम करते हैं जिस केस में कि आपका विथ चेंज, जैसे ही आप उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, आपका जो फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है, और वो फोर्स जो है वो आपके डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो उस केस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें इस वीडियो का मेन पर्पस है कि उन टाइप के केसेस के लिए अगर हमें गवर्निंग इक्वेशन डिराइव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम स्टार्ट करें और सबसे पहले इस एग्जाम्पल को लें, तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है और उस शाफ्ट से एक बॉल कनेक्टेड है। तो जब वो बॉल कनेक्टेड है तो वो बॉल उस शाफ्ट के साथ रोटेट करेगा और उसमें क्या होगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा। नाउ अगर मैं इस बॉल को वाइब्रेट करता हूं, तो अगर मुझे इसका रिस्पांस कंप्यूट करना है बॉल के वाइब्रेशन का, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक बेसिक सा स्कीमेटिक बना लेते हैं। तो इस स्कीमेटिक को अगर आप देखिएगा, तो इसमें जो एजम्पशंस यूज किए गए हैं वो एजम्पशंस क्या है कि आपका ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है विथ एन वेलोसिटी ओमेगा, और एक बॉल कनेक्टेड है इस शाफ्ट से जो कि एक बीम के थ्रू कनेक्टेड है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम मान लेते हैं कि जो इसका मास है वो ये मासलेस बीम है। तो जब हम मासलेस बोलते हैं, तो अगर एक्चुअल हम देखें प्रैक्टिकल केसेस, तो किसी भी चीज का मास नहीं हो सकता है, लेकिन आप बुक्स में देखते होंगे मोस्टली वो मासलेस एज्यूम करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि इसका जो मास होगा वो इस शाफ्ट के मास या फिर जो इसके इनर्शिया के इफेक्ट के कारण जो भी चीजें आएंगी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल पार्ट होगा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो मासलेस बीम है और उसका सिर्फ स्टिफनेस कंसिडर करेंगे ताकि हम गवर्निंग इक्वेशन डिराइव कर सके। और ये कोई बॉल है जिसमें कि आपने एक परटर्बेशन दिया है एक्स और उसका मास एम है। तो इस केस में देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये मास m का है तो अब इसमें क्या होगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और जब हम इसको डिफ्लेक्ट करेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका गवर्निंग इक्वेशन डिराइव करना। तो सबसे पहले उसी का एक बेसिक सा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपके शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसका लेंथ L था, अब मान लेते हैं कि हमने इसको X से परटर्ब किया। तो जब हमने परटर्ब किया तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, कुछ इस पोजीशन पे ये सर्कल आ जाएगा। तो जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ये कुछ यहाँ पे एक एंगल बनाएगा थीटा अपने इनिशियल पोजीशन के टुवर्ड्स, और थीटा को अगर आप एज्यूम कर ले कि थीटा बहुत ही स्मॉल है फॉर लीनियर एनालिसिस, हम नॉन लीनियर एनालिसिस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, x by l, tan थीटा को कर सकते हैं, tan थीटा को for very small थीटा हम थीटा is equal to x by l भी लिख सकते हैं। तो अब जो फोर्स जो इनिशियली हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, जिसकी वैल्यू अगर हम लिखे तो क्या होगी आपकी, एक तरह से l plus r by 2 m omega square। तो यहां पे हमने ज़ूम किया था कि एक तरह से टोटल जो रेडियस है वो आर के बराबर एज्यूम किया था, तो एल प्लस आर बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ये फोर्स आपका लग रहा था। अब जब आपने इसको डिफ्लेक्ट किया तो आपका फोर्स वेक्टर किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया, इस डायरेक्शन में, और वो कौन सा एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा बना रहा है। तो अगर हम, क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इसको परटर्ब किया है, तो हम गवर्निंग इक्वेशन जो डिराइव कर रहे हैं वो आपके वर्टिकल मोशन के रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारा जो, अगर हम एफ वाई ले लें तो एफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, f इंटू साइन थीटा, और थीटा साइन इज फॉर स्मॉलर एंगल के लिए साइन थीटा कितना हो जाता है, सिंपल एक थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा f इंटू एक्स बाई एल। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो फोर्स था वो आपका क्या हो गया, एफ वाई इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्टली उस फॉर्म में लिख ले तो क्या हो गया वो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल प्लस आर बाई टू
इंटू एक्स बाई एल। तो अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारा, जैसे हमने अगर इसको ये ले लिया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, तो ये हमारा एक तरह से आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वन प्लस आर बाई एल इंटू एक्स। तो ये हमारा फोर्स आ गया, जो फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है। और ये फोर्स हमेशा सिस्टम में प्रेजेंट है, वो डिफ्लेक्शन आप जितना भी दीजिएगा, अगर आपका जो इनिशियल रिस्पांस एक्स है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसके मुताबिक ये फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये नोट करने की वाली बात है यहाँ पे, जो फोर्स है वो आपका ऑलरेडी अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगर हम मेन इक्वेशन को देखें तो मेन इक्वेशन कुछ ऐसा था कि सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू सम फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे जो भी वैल्यूज, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगी वो किस में क्यूमुलेटिव हो जाएगी, एक तरह से के में ऐड होगी। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स प्लस जो फोर्स है आपके बॉडी में, एम ओमेगा स्क्वायर वन प्लस आर बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब नाउ अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे पूछूं कि ये इक्वल टू जीरो कैसे हो गया, तो आप थोड़ी देर पॉज करके वीडियो सोच सकते हैं कि ये जीरो के बराबर मैंने यहां पे डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो मेन रीजन अगर आप फोर्स बैलेंस का देखिएगा तो ये क्या था, फोर्स इंटरनल इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल क्या है, जब हम एक्सटर्नल कोई भी एक्साइटेशन फोर्स लगाते हैं तो वो होता है ये। इस केस में आपने क्या लगाया था, एक्साइटेशन फोर्स जो था आपका फ्री वाइब्रेशन के लिए जीरो था, क्योंकि आपने उसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो एक तरह से वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रिस्पांस है। ये जो इंटरनल फोर्स इस बॉडी में प्रेजेंट है वो किसके कारण है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण आ रहा है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिख ले अब एक तरह से अच्छे से, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आर बाई टू एल, सॉरी यहाँ पे 2 का एक फैक्टर छूट गया था, यहाँ जो होगा 1 प्लस आर बाई टू एल एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपका इक्वेशन है जिसको यहाँ पे अगर मैं इस, अब हम अगर इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है वो है क्या है कि आपका जो स्टिफेस्ट टर्म है वो क्या है, आपका डिपेंड कर रहा है और भी दूसरी वैल्यूज पे। जैसे अगर आप मास ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि एक तरह से वो भी आपके स्टिफनेस पार्ट को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं और टाइम पीरियड ये सब कंप्यूट करने की कोशिश करें तो टाइम पीरियड में भी आपका जो मास टर्म है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन उसमें ये भी हो जाएगा कि जिस रेट से इनर्सिया आपकी इंक्रीज कर रही है और किस रेट से आपका स्टिफनेस टर्म इंक्रीज कर रहा है वो आपका मेनली डिसाइड करेगा कि टाइम पीरियड में चेंजेस क्या आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ओमेगा स्क्वायर टर्म को और भी तेजी से उस बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके कारण भी आपका इसमें वो टर्म आ जाएगा। सिमिलरली रेडियस, लेंथ और इन सब चीज़ों पे भी आपका वो डिपेंड करता है। तो कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपका स्टिफनेस जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी स्टिफनेस आपने वैल्यू दी वो कांस्टेंट है। लेकिन जो मेनली रोटरी सिस्टम का केस है, रोटरी सिस्टम एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है कि आपके स्टिफनेस में एक एक्स्ट्रा टर्म भी ऐड हो जाता है जो कि ड्यू टू रोटेशन आता है। तो मेनली इस वीडियो का जो मोटिव था वो डिस्कस करने का ये था कि आपका जो इंटरनल फोर्सेस है उसको कैसे आप अकाउंट कर सकते हैं आपके गवर्निंग इक्वेशंस में। तो इस वीडियो के लिए तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंट बैलेंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अपने लैग्रांजे इक्वेशन के टुवर्ड्स जाएंगे और उसके बारे में भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।